हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक सो आज हम इस ड्रामा का पार्ट फाइव एक्सप्लेन करने वाले हैं सो so, अगर आपने अभी तक इसके बाकी के चार पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उसे देख लेना चाहिए सो लेट्स द एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम यहाँ पर रिशा को देखते हैं जो कि कैफ़े में खड़ी होती है उसके बाद उसे अकुत्सु आकर एक ऑफ़र देता है दरअसल वो चाहता है कि ऋषा उसके जो न्यू कैफ़े है उसकी मॉडल बन जाए ताकि वो उसका एडवर्टाइजमेंट काफ़ी अच्छे से कर सकें आफ्टर ऑल रिशा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो वो कर भी सकती है यहाँ पर रिशा पहले थोड़ा हिचकिचाती तो है कि अगर हीरो को पता चला कि वह कुत्सु के साथ एक एडवर्टाइज़मेंट कर रही है तो उसे बुरा नहीं लगेगा मतलब उसे अनकम्फर्टेबल फील भी होगा उसके अगले ही मन वो सोचती है कि नहीं ये वर्क है और मुझे करना ही होगा अगर मैं ऐसे ही किसी भी काम से हटती रहूँगी तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा वो तो झंड होना है इसके बाद वो मान जाती है और कुछ सू इस पर काफ़ी खुश होता है जब इनका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है तो रिशा को एक्ट करना आता ही नहीं है इसके बाद वो खाने को ऐसे खा रही थी जैसे वो खाना अच्छा है ही नहीं एक्सप्रेशन को रियल नहीं थे कि शूटिंग में कभी ज़्यादा प्रॉब्लम ला रहे थे बट कोई भी उससे नहीं कहता कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़े ऑकवर्ड है इसके बाद रिशा को भी लग रहा था कि वो अच्छे से नहीं कर रही है और अगर वो ऐसे ही करती रही तो सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है यार यहीं पर खुद सू से देख रहा होता है इसके बाद वो उसे पर्सनली बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ क्या खाना अच्छा नहीं था तभी वो कहती कि नहीं खाना तो बहुत अच्छा था बट मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था थोड़ा एम्बेरसमेंट टाइप बिकॉज मैंने कभी पहले किया नहीं है ना और रियल वाली स्माइल देना मुझे आ ही नहीं रहा दरअसल कोई हैप्पी मोमेंट भी तो होना चाहिए तो उसके लिए हंसने के लिए तभी यहाँ पर कुछ कहता है कि मतलब तुम्हें एक्टिंग करने के लिए भी रियल वाली फीलिंग चाहिए इसके बाद वो कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें सारी फीलिंग दूंगा और तुम्हें तो पता ही है कि मैं हिरो तो की तरह ही बहुत ही अमीर और जेंटल हूँ तो मैं तुम्हारा काफी ख्याल रखूंगा यहाँ पर बात शूटिंग की चल रही थी बट जिंदगी वाली बात पर आ गई इसके बाद रिशा कहती है कि वो ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है वो सिर्फ हिरोत्तों को पसंद करती है इसके बाद यहाँ पर एक बंदा आकर रकु से कहता है कि उनका मॉडल यहाँ पर नहीं है इसके बाद रकु से देखने के लिए चला जाता है यहाँ पर हम देखते हैं तो वो यूकी होता है मतलब हीरो का

खुश कर सकता है इसके बाद उसके हाथ पर हाथ रखता है बट रिशा का एक्सप्रेशन तो ऑकवर्ड सा ही होता जा रहा था इतने में ही यहाँ पर हीरोधों की एंट्री होती है और वो कहता है कि कुद्सू तुम्हें तो सब करने की ज़रूरत नहीं है आप ट्रॉल इस कंपनी का मालिक मैं हूँ तो मैं कपल बन सकता हूँ इसके बाद वो रिशा के साथ शूटिंग स्टार्ट करता है यहाँ पर रिशा को हीरो को देख कर ही चैन मिल जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है यहाँ पर कुसू कहता है कि देख लो मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि इसे थोड़ा स्माइल करवा दूँ बट ये तो बिल्कुल पत्थर की मूर्त बनी बैठी थी, थी अभी तक निशा और तो एक साथ उसके घर पर होते हैं तभी रिशा को उसके बेस्ट फ्रेंड नाचान का फोन आता है इसके बाद उसे बता दिए कि वो जल्दी ही टोकी आ रही है और वो उससे जल्दी ही मिलेगी इसके बाद रिशा उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है तभी उसे बताती है कि उसे पता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया उसने एक बंदे को सड़क पे देखा जिसने उसका फोन उठाकर दिया वो काफी ज्यादा जेंटल स्वीट एंड हैंडसम था पता है इतना ज़्यादा हैंडसम इंसान मैंने कभी नहीं देखा और ऐसे ऑडियंस में पता चलता है कि वो हैंडसम सा इंसान को ही और नहीं बल्कि हीरो तो ही है सड़क पर उसका मोबाइल उठा कर दिया था इसके अब रिशा है कि वो उसके लिए काफ़ी ज्यादा खुश है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड मतलब क्रश तो मिली क्या इसके बाद नाचान उससे कैफे में मिलती है इसके बाद ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ से नाचान को उसका लव एट फर्स्ट साइड मतलब हीरो तो दिखता है दी देखो वही लड़का जो कि मुझे पसंद आया था ऋषा उसे देखती है तो कहती है क्या हीरो तो तो साइड कैसे हो सकता है इसके बाद जब नाचान उसके पास भाग कर जाने वाली थी तभी रिशा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि रुको मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान के पीछे तुम भाग रही हो वो दरअसल हीरो तो है मतलब मेरा बॉयफ्रेंड इसके बाद यहाँ पर नाचान का चेहरा देखने लायक था इसके बाद वो कहती है कि ओह आई एम सॉरी एक कितना फनी है ना कि तुम खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ फॉल इन लव हो जाओ वैसे चिंता मत करो मैं इससे ज़्यादा सीरियस नहीं लूँगी इट्स ऑल राइट यहाँ पर वो समझ में आ रहा था कि बेचारी नाचान का दिल जुड़ने से पहले लूट गया इसके बाद उससे सॉरी भी बोलती है आप फिर दैट ये दोनों अपने घर पर होते हैं यहाँ पर रिशा और नाचान सच में काफ़ी अच्छी फ्रेंड हैं इसके बाद हिरो तो रिशा को कॉल करता है यहाँ पे नाचान शावर लेने के लिए चली जाती है इसके बाद हिरो तो फ़ोन कट करने के बाद ही उससे मिलने के लिए आ जाता है यहाँ पर हीरो तो को लगता है शायद घर को में कोई और भी है पर रिशा उसे बता नहीं रही थी इसके बाद हिरोत उसे फोर्स करता है कि आखिर घर में कौन है तभी यहाँ पर नाचान की आवाज़ आती है कि शैम्पू कहाँ पर रखा हुआ है इसके बाद हिरो तो वहाँ से चला जाता है जब नाचान बाहर आती है तो कहती है कि क्या हुआ कोई आया था क्या तभी यहाँ पर रिशा उसे नहीं बताती कि हिरो तो आया था क्योंकि उसे अनकम म्फर्टेबल फ़ील ज़रूर होगा इसके बाद नाचान पहले ही समझ जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि मिस्टर हीरो तो यहाँ पर आए थे पर तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो इसके बाद वो यहाँ पर रिशा से कहती है कि मैं तुमसे बात कहना चाहती हूँ मैं इतनी जल्दी हार नहीं माना चाहती दरअसल मुझे मिस्टर हीरोतो पे एक ट्राई चाहिए क्या तुम मुझे दे सकती हो आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो मेरी बस एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दो दरअसल मैं मिस्टर हीरोतो के साथ एक डिनर डेट पर जाना चाहती हूँ उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगी अगर उन्होंने मुझे फ़र्स्ट डेज में पसंद कर लिया तो हम दोनों का हम दोनों की बात आगे चल सकती है बट अगर वो तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो मुझे इग्नोर कर देंगे इसके बाद मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी बट बर... बस एक बार रिशा उससे मना करना चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को से ही ऐसे ही लैंड कैसे कर दे इसके बाद उसे नाचान की बात माननी पड़ती है बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी इसके बाद नाचान रिशा और हीरो तो एक साथ एक डिनर डेट पे जाते हैं यहाँ पे नाचान ने रिशा से कहती है क्या हीरो तो तुम्हें हर बार ऐसी ही फैंसी जगह पर लेकर आता है रिशा कहती है कि हाँ वो ऐसे ही हमेशा एक्सपेंसिव जगह पर आते हैं यहाँ पर हीरो तो नाचान से पूछता है कि वो क्या खाएगी नाचान तो उसकी वॉइस सुनकर ही खुश थी इसके बाद ये दोनों अपना डिनर करते हैं दोनों डिनर करके बाहर आते हैं तो ऋषा को काफ़ी ज्यादा जेलसी फील तो हुई थी बिकॉज उसे लगता था कि नाचान उससे ज़्यादा सुंदर है और कहीं मिस्टर हिरो तो उसके पीछे प्यार मना पड़ जाए और मुझे छोड़ दें ऐसे इनसिक्योरिटी उसे थी इसके बाद जब नाचान किसी से बात करने के लिए चली जाती है तो इसके बाद हीरो तो कहता है क्या हुआ तुम्हारी शक्ल पर बारह क्यों बजे हैं रिशा कहती है कि मुझे पता है कि आप सभी के लिए जेंटल हैं बट प्लीज़ अभी इस टाइम थोड़ा अनकूल रहिए बिकॉज मैं नहीं चाहती है, आप सबके सामने कूल लगो तभी यहाँ पर जब नाचान आती है तो हिरोतों का हाथ पकड़ने लगती है इसके बाद रिशा बीच में टपक पड़ती है चाद को हिरोतों को छूने तक नहीं देती इसके बाद हिरोतों की हंसी निकल जाती है कि रिशा आज फैली पाती है या इनसिक्योर हो रही है इसके बाद ये सभी गेम खेलने के लिए जाते हैं तो नाचान कहती है कि ठीक है अब हम एक बैट लगाते हैं जो कोई भी इस गेम को जीतेगा फिर तो उसे किस लेगा पर ऋषा कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि नहीं वो ऐसा नहीं होने दे सकती यहाँ पर हीरो तो कहता है कि हाँ उसे कोई दिक्कत नहीं है एक किसी तो है इसके बाद ये सभी जब गेम स्टार्ट करते हैं तो हमारी ऋषा हार जाती है उसके बाद रिशा हार जाती है और कहती है क्या मैं हार गई मतलब हिरो तो नाचान को किस देगा इसके बाद नाचान तो का भी खुश थी बट रिशा मना कर देती है और कहती है कि नहीं वो ये सब नहीं चाहती और आई एम सॉरी बट मैं तो मैं हिरोतो को टच नहीं करने दे सकती मैं हिरोतो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड वो मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए आई एम सॉरी तुम्हें जितना कहना था करना था मैंने तुम्हें करने दिया बट और आगे अब नहीं बना ना चांद भी उसकी बातों को समझती है और कहती है कि ठीक है तुम चिंता मत करो मैं आज यहीं पर गिव अप करती हूँ उसके बाद मैं हिरोतो को कभी नहीं देखूंगी आफ्टर दैट हीरो तो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है इसके बाद रिशा अकेली पड़ जाती है यहाँ पर रिशा और नाचान कैफ़े में आते हैं जहाँ पर योशकी पार्ट टाइम जॉब करता है और ये कैफ़े अकुद्सू का ही था इसके बाद ऋषा कहती है कि उसे भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए बिकॉज ना चान योशकी दोनों ही पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वो उसी की एज के हैं इसके बाद कहती है कि हाँ वो करना चाहेगी इतने में ही कुत्सु आता है और कहता है कि यहाँ पर भी जगह खाली है तुम कर सकती हो यहाँ पर योशकी कहता है कि हाँ रिशा तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आएगा इसके बाद रिशा कहती है कि हाँ उससे अगर सभी के साथ सोशल होना है और बात करना सीखना है तो उसे ये सब करना ही चाहिए ये सब अच्छी बात है कि हम पार्ट टाइम जॉब करें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद ही उठाएं यहीं पर नाचान अकेली बैठी होती है इसके बाद सूस के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ तो मैं भूख लगी है तभी वो कहती है कि नहीं तभी यहाँ पर सूस के लिए डिनर ऑर्डर कर देता है यहीं पर नाचान कहती है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर अकुदसु कहता है कि सच में इसके बाद इन दोनों में बड़ी अजीब सी कन्वर्सेशन होती है मुझे तो पल्ले नहीं पड़ी रिशा रात में अकेली जाती है तभी उसे स्टॉल कर उसका पीछा करता है इसके बाद वो हिरोतो को फ़ोन लगाती है तभी वो हिरोतो को ये नहीं बताती कि उसके पीछे ही कोई है इसके बाद वो सोचती है कि नहीं वो अडल्ट हो गई है तो उसे अपने काम खुद ही संभालने चाहिए यहीं पर हम नाचान और अकुसु को देखते हैं यहीं पर हम नाचान और कुसू को देखते हैं तो ये दोनों काफ़ी जल्दी करीब आ गए थे इसके बाद नाचान भी रेसिस्ट नहीं करती किस करता है यहीं पर हम रिशा को देखें बंद होने के बाद में अकेली थी इसके बाद एक बंदा आकर उसे अप्रोच करता है और कहता है कि अब हम हाइड एंड सी खेलना बंद कर दें दरअसल एक वही क्रेजी स्टॉलकर है जो कि उसका पीछा कर रहा था इसके बाद रिशा सरप्राइज होती है हो, और डरने लगती है इसके बाद स्टॉल कुछ करने वाला होता ही है इतने में ही जाता है समझते हैं